हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट के जो प्रमाण पत्र हैं वो जारी हो चुके हैं, और ये प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग कैसे प्राप्त करोगे, कहाँ से मिलेगा ये, तो पूरी बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले गूगल पर आप सर्च करेंगे राज एडू बोर्ड डॉट राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। जैसे ही ऑथेंटिक साइट जो है वो आप डालेंगे तो ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है रीट 2022 मेन वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख रहे हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट 2022। तो देखिए, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है रीट 2022 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। यानी आपको ये जो सर्टिफिकेट है कैसे मिलेगा, आपके पास जो है एक आवेदन पत्र जो है वो आएगा, इसको भरेंगे आप, तभी जो है वो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। ठीक है, और उसी प्रमाण पत्र पर, आवेदन पत्र जो है उस पर लिखा होगा कि कहाँ से जो है इसे वितरित किया जा रहा है, वो केंद्र का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पर जो है आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये न्यू पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें जो है रोल नंबर, आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो है डालेंगे, ठीक है, डेट डालेंगे, मंथ डालेंगे और ईयर डालेंगे, और क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आवेदन पत्र जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी आवेदन पत्र को जो है वो आपको भरना है। ठीक है, ये जो आवेदन का प्रारूप है ये आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पर जो है लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे आवेदन पत्र को, आपका जो है फॉर्म नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, एड्रेस भी लिखा होगा, मोबाइल नंबर भी लिखा होगा, और वितरण केंद्र भी मिलेगा, यानी कि कहाँ पर जाकर जो है आपको ये प्रमाण पत्र लेना है। ठीक है, उस स्कूल का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा होगा। तो सबसे पहले आवेदन पत्र जो है इसको क्या करेंगे, आप डाउनलोड करके जो है वो प्रिंट आउट निकाल लोगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल कर इसको फिल करोगे, इसको भरोगे। यहाँ वितरण केंद्र का नाम लिखा होगा तो इसी स्कूल में जाकर आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन इस आवेदन पत्र के बगैर आपको नहीं मिलेगा। तो इस आवेदन पत्र का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट जरूर निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे जो हैं ये पूछना चाहेंगे कि वो खुद जाएंगे या किसी और को भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी को भी भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है अभ्यर्थी के स्वयं न आने की स्थिति में। तो जो जिसको भी आप भेज रहे हो, खुद भी जा रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पर अपना नाम पता सब कुछ लिख दोगे। यदि नहीं जा पा रहे हो तो पत्रवाहक का नाम, यानी कि जो लेने जा रहा है उसका नाम लिख दोगे, उससे क्या रिलेशन है आपका ये लिख दोगे। और हाँ, एक जो आईडी है, आईडी जो है वो आप लोग लेकर जरूर जाएंगे। आवेदन पत्र का जो है ये प्रारूप लेके जाएंगे प्रिंट आउट करके, और आईडी लेकर जाओगे। ठीक है, आईडी जो है वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी को भेज रहे हो तो उसका हस्ताक्षर जो है, साइन जो है वह होना चाहिए, और जो खुद लेने जा रहा है तो उसकी फोटो, यहाँ पर आईडी की फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दें, जो भी व्यक्ति जाए वो खुद की आईडी लेकर जाए, चाहे वो खुद अभ्यर्थी है या अभ्यर्थी का कोई रिलेटिव है, तो खुद की आईडी जो है लेकर जानी है। तो यहाँ अभ्यर्थी जो है वो अपना सिग्नेचर करके दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर प्राप्तकर्ता के जो है सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को आसानी से जो है वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिना आवेदन पत्र के प्रारूप के, बिना आईडी के आप लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ देख कर जाना है वितरण केंद्र जो है कौन सा स्कूल है। ठीक है, उसी स्कूल में जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। और मेरी राय लें तो अभी 5-6 दिन है, आप जो है वो रुक जाएं, क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम का भी टाइम है और आराम से जो है वो आप ले सकते हो, बिल्कुल आपको भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो प्रमाण पत्र आपको लेना है। तो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।